स्टूडेंट्स, हम लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट जो लास्ट वन हम कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है लॉजिक गेट्स की। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअली टेम्परेचर सेंसर्स पर बात करते हैं। इसमें भी हम लॉजिक गेट्स को यूज करेंगे, टेम्परेचर सेंसर। इसको हम TMP टेम्परेचर, या पूरा ही इसको लिख लेते हैं टेम्परेचर सेंसर्स। अब देखिए, सेंसर जो है एक्चुअली जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंजेस आती है उनको जब हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, सेंसर्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर चेंज को कन्वर्ट कर लें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी उसमें जो वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आउटपुट आउटपुट में ले लें, तो फिर वहां पर हमारे पास ऐसा डिवाइस होगा टेम्परेचर सेंसर। और हम यहाँ पर यूज करेंगे थर्मिस्टर को। थर्मिस्टर जिस तरह के नाम से जाहिर है, एक्चुअली यहाँ पर रेजिस्टर ही होगा, लेकिन इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यानी ये थर्मल से निकला है, थर्म मीन ये निकला है थर्मल से, थर्मल दो वर्ड से निकला है, और जो इस्टर आ रहा है लास्ट में, ये आ रहा है फॉर रेजिस्टर। सो देखिए, दो वर्ड्स एक्चुअली हमने कंबाइन किए हुए हैं, थर्मिस्टर बनाया है इससे। सो थर्मल रेजिस्टर का मतलब ये हुआ ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किस चीज पर, टेम्परेचर पर। यानी यहां पर जो हम यूज करेंगे उसको हम नॉर्मली कहते हैं NTC, या इसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट रेजिस्टर कहते हैं। और इसमें हम यूज करते हैं एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फर्स्ट तो आप इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखें, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 0 केल्विन पर कंसीडर करते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो पर, सो पेवर सेमीकंडक्टर में कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते, और 0 केल्विन पर ये क्या क्या होता है, एज एन इंसुलेटर ये एक्ट करता है, एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर। लेकिन जब हम इसकी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं, जब आप रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, सो यहाँ पर फ्री चार्जेस अवेलेबल हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर फ्री चार्जेस आ जाते हैं, और जब फ्री चार्जेस आ जाते हैं सो तब इन पर इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से हम पास कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। यानी ये चूंकि उसमें इतना करंट तो फ्लो नहीं कर रहा जिस तरह के जिस तरह के मेटल्स में होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। सो यहाँ पर जो थर्मिस्टर होगा, इस तरह अगर आप इसका टेम्परेचर देके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए तो मोर एंड मोर आपके पास फ्री चार्जेस आ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्री चार्जेस आ जाएंगे। तो इसी तरह जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इनके पास फ्री चार्जेस ज्यादा होते जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल्स। सो यहाँ पर इसी चीज को हम यूज करेंगे थर्मल रेजिस्टर को। फर्स्ट आप ले लें सपोज यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक वी वोल्टेज इनसाइड, और इस चीज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको हम इंट्रोड्यूस कर लें, इसको हम यूज करते हैं हीटिंग सिस्टम के लिए, हीटिंग सिस्टम के लिए, हीटिंग सिस्टम के लिए। यानी जो अब फॉर एग्जांपल बॉयलर है घरों पर, जो बॉयलर्स होते हैं जहाँ से वाटर आप फॉर एग्जांपल गर्म करते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिकली इनको यूज़ किया जाता है। सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स। सो अब एक्चुअली हम यहाँ पर हीटिंग सिस्टम की पूरी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो इसमें लॉजिकल चीज़ है, जो लॉजिक सिस्टम यूज होता है, जो गेट्स यूज होते हैं, हम स्पेसिफिकली उस पर बात करेंगे। सो यहाँ से हम इनको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं वी इन से, वी इन। यहां पर एक इस सर्किट में हम थर्मिस्टर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं यू, इसको हम टी से डिनोट करते हैं थर्मिस्टर, और इसकी जो रेजिस्टेंस है चूंकि वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है, तो इसीलिए हम इस पर ये वाला सिंबल पुट करते हैं, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टर, और टी का मतलब है ये थर्मिस्टर है। यहां पर सीरीज में हम इसके साथ एक और रेजिस्टर जो है वो पुट कर लेते हैं, सीरीज में ये आ जाएगा दूसरा रेजिस्टर, और ये जो दूसरा रेजिस्टर है ये फिक्स्ड है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड है, और जो थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है,
यहां से हम लेते हैं आउटपुट, यानी वो वोल्टेज जो कि हम गेट को प्रोवाइड करते हैं, लॉजिकल गेट को प्रोवाइड करते हैं। सो अब देखें यहां पर एक्चुअली बेसिक फिनोमिनन क्या होता है। अगर आप इसके इनसाइड जो फिनोमिनन है उस पर गौर करें, अगर टेम्परेचर जो है वो फॉर एग्जाम्पल लो है, टेम्परेचर सपोज लो है, सो ये वाला थर्मिस्टर क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि सेमीकंडक्टर से बना है। क्योंकि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटिंग जैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती है। सो लो टेम्परेचर पर क्या होगा, थर्मिस्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होगी, रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, हम जानते हैं कि वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप वो ज्यादा होता है। जितना ज्यादा पावरफुल रेजिस्टर होगा, उतना ही ज्यादा उसमें जो है एनर्जी है जो है वो डिसिपेट होती है। हम कहते हैं वहां पर पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप होता है। तो इसीलिए अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा ड्रॉप होगा। इस रेजिस्टर को बहुत कम, या जो नीचे वाला सर्किट है इसको बहुत कम वोल्टेज मिलेगा, चूंकि ज्यादा पार्ट जो है उस वोल्टेज का वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर वी आउट पर आपको क्या मिलेगा, लो वोल्टेज मिलेगा। और लो वोल्टेज का मतलब ये कि यहाँ पर हम उसको जीरो से लेते हैं, या उसको हम ऑफ से डिनोट करते हैं, यानी आपको वी आउट पर जो है कोई आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहां पर सारा का सारा जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है। इसी तरह अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर जब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, तो उसके साथ साथ इस थर्मिस्टर की जो रेजिस्टिविटी है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, डिक्रीज। चूंकि हाई टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वजह से इसके पास फ्री चार्जेस आ जाते हैं, फ्री चार्जेस, और जितने फ्री चार्जेस ज्यादा होंगे, उतनी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वो एक्ट करेगा एज ए कंडक्टर, और जितना वो एज ए कंडक्टर एक्ट करेगा, इसका मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल कम से कम ड्रॉप होगा। और जब यहाँ पर पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा, सो यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल पहुंचेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो आप वी इन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर ड्रॉप हो गया, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अब कम है हाई टेम्परेचर पर, तो कम कम इसमें ड्रॉप होगा, और ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है वो यहाँ पर आपको वी आउट पर मिलेगा। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पर आपको क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। और हाई आउटपुट मिलेगा तो उसको हम वन से, बूलियन अलजेब्रा के मुताबिक हम वन से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये वाला जो जीरो वाला है, ये इस पर ऑफ होगा, इस पर बॉयलर को ऑफ हम कह सकते हैं, यानी उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, और ये है ऑन, यहाँ पर ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। सो ये एक्चुअली वो बेसिक फिनोमिनन है जो कि किसी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर होता है, और उसमें हम एक्चुअली यूज क्या कर रहे हैं, लॉजिक गेट्स यूज कर रहे हैं, और लॉजिक गेट से पहले हम थर्मिस्टर यूज कर रहे हैं। अब ये जो थर्मिस्टर हमने पढ़ा, ये ही एक्चुअली जो आउटपुट देता है यहाँ पर वी आउट, यही आउटपुट फिर हम गेट्स को अप्लाई करते हैं, और गेट्स जो है वो आगे प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को। सो ये था सिस्टम स्टूडेंट्स, हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल लॉजिक गेट्स।